वैसे आप देख रहे हो हमारी आंखों में बहुत नींद भरी पड़ी है, तो हम 3 बजे घर पे जा रहे हैं। गरम गरम जलेबियाँ ये देखो गाइस बन रही है। ऐसे ऐसे करके पिछली बार वो निकी मामा बता रहे थे पिछली बार बने थे 44। अच्छा 44 देख तो भाई अंकल कैसा टेस्ट है? खाए तो फर्स्ट बाइट है, बढ़िया है। मेरी मम्मी है और ये मेरी मासी है, सेकंड नंबर वाली और लास्ट वाली। गाइस मासी कितनी बड़ी कुल्फी लेके अकेले अकेले खा रही है, हमको भी दे दो मासी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज मेला है तो आज हम जाएंगे आपको दिखाएंगे पूरा मेला दिखाएंगे कैसे क्या होता है, और अभी जाएंगे गुरुद्वारे फिर लंगर पानी खाएंगे फिर पूरा आपको दिखा के फिर भाई हमको घुमाएगा घुमाएगा पूरा मेला। आज पूरा आपको मैं घुमाऊंगा, झूले वगैरह भी दिखाऊंगा, कहाँ पे आज फुल मस्ती करेंगे यार, पूरा मस्ती करेंगे, हमको पूरा घुमाएगा सोनी। तो चलो चलते हैं गुरुद्वारे। और ये देखो नान के घर के सामने देखो ऐसे स्टॉल लगे हैं, देखो इधर भी लगा है। ये हमारा नानी का घर और देखो सामने जलेबियाँ बन रही है, पकौड़े चले जा रहे हैं, ये आइसक्रीम वाला। ये देखो रूम वाला और सामने करने का जूस है। यहाँ पे भी देखो पकौड़े बन रहे हैं, तैयारी चालू है उसकी, जलेबी है पकौड़े रहते हैं और सामने देखो गोगल्स है। गरम गरम जलेबियाँ ये देखो गाइस बन रही है। अमेजिंग है ना, सामने जोड़ा घर है ये देखो चप्पल रखने के लिए, इधर शरबत मिलेगा। शुक्राना करते हुए अते अपने बच्चे की तरक्की लई अते कामयाबी लई सतगुरु जीओ 11वें श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा संपूर्ण करवाई सतगुरु जी। सामान मिलता है जैसे कड़े वगैरह हो गए, कृपान हो गया, श्रीखंड हो गया। ये देखो लेगा, ये लेगा सोने, देखो ये देखो सारा कुछ मिल रहा है। गाइस इनको देखो, हम गुरुद्वारे होके आ चुके हैं लेकिन ये लोग तैयार होके बैठे, अभी तक तैयार भी नहीं हुआ लक्की भाई देखो, और मामी तैयार होके बैठी, मामी भी हो, मामी आप होके आ गए गुरुद्वारे से, कैसा लगा? बहुत अच्छा। और ये देखो ये भी रेडी होके बैठे लेकिन ये गया नहीं अब तक, तुम नहीं गए तो मैं कैसे जाऊँ। मैं होके आ गया और ये अभी भी मेरे साथ चला था, ये भी देखो बच्चे बैठे हैं ऐसे ही, ये देखो प्रभजोत भी, प्रभजोत भाई तू गया ही नहीं यार, होके आ गया, होके आ गया मैं। और दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो सारे बैठे हैं इधर, सारे रेडी हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और ये देखो मेरी नानी और ये अंकल भाई पग बांधी जा रहे हैं, और आपको दिखाता हूँ मैं, इधर मेरा मामा बैठा है बड़ा वाला। मामा जी होके आ गए गुरुद्वारे, गुरुद्वारे होके आ गए, गुरुद्वारे होकर आ गए। अच्छा मैं
इधर यहाँ पे बन रही है दाल, तो ये एक नहीं बनती है, ये लगातार चलती रहती, पूरे दिन ये चलती रहेगी यहाँ पे। अभी ये दाल बन रही है, फिर ये इसमें डालते हैं ड्रम में, भर देते हैं ऐसे ड्रम में डालते हैं, इसमें सब में भर देते हैं, फिर ये इसमें डाल के वहाँ पे लंगर होल में लेके जाते हैं। अच्छा, और चावल दे दाल, और ये चावल है यहाँ पे, वो देखो उधर देखो सामने, वहाँ पे तीन देगड़े लगे, तीन, इन तीनों में चावल बनते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे करके पिछली बार वो निक्की मामा बता रहे थे कि पिछली बार बने थे 44। अच्छा, 44 देग चावल के। अभी आपको दिखाते हैं कि ये स्टोर कहाँ पे। अच्छा चलो, गाइस इधर देखो चावल स्टोर करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से फिर चावल उधर लेके जाएंगे, ये इसे पूरा भर जाएगा यहाँ तक ऊपर, ये पूरा चावल है गाइस। ये मतलब अनलिमिटेड बनता रहता ना गोरू, अनलिमिटेड बनता रहता ना। ये देखो कितने सारे चावल हैं, सभी पगड़ी चलाते हैं, पगड़ी चलाते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी की पगड़ी ला के रखती, हर एक जो भी संगत आती है सभी का सम्मान किया जाता है और सबकी पगड़ी यहीं पे चढ़ाई जाती है। इतनी सारी पगड़ी है गाइस, और ये शाम तक देखना आपको इतनी सारी हो जाएगी यहाँ तक। और सालाना जोड़ मेला गुरमत समागम समागम के अंदर हाजरिया ऐसे। ये देखो पूरा इधर नीचे लगा हुआ स्टॉल, सारा सामान मिलेगा आज के दिन, ये खाली साल में एक बार लगता है। कपड़े नहीं, चाय पीने के लिए नहीं, बस है घर पे। मौसम है एकदम जबरदस्त, ये देखो कितना एक दिन के लिए कितना मेहनत करते हैं, इतना लगाते टेंट वगैरह है ना भाई, बहुत है बहुत है। देख छोटे मोटे सामान भी हैं, देख ले भाई तेरे दोस्त वोस्त के लिए लेने हैं। लेते हैं सेल सेल सेल, 20 रुपये यहाँ लिखा हुआ सेल सेल। देखो सामने फोटो मिल रही है, फोटो ये सब ठीक है। अब एक काम कीजिए, जो अपने दोनों ही काम कीजिए, वो है खिलौने किधर है, किधर है वो लेते हैं हम, एक आता तो लेते हैं, और कोई अच्छा सा मिलेगा तो देखते हैं रिमोट कंट्रोल वगैरह। इधर सारे लड़की के सामान है यार, लड़की के ये भगवान के इधर वगैरह है। देखो बढ़िया सी वो रिमोट, पहले जब मैं छोटा था ना यहाँ पर वो जिद, तो ये देखो सामने ये पड़े के लिए खिलौना, ये भी है डॉगी वगैरह, वो सामने पड़ी हो तो कार किधर है, रिमोट कंट्रोल नहीं है ऐसे नॉर्मल है, ये देख लेनी है वाली सेम इधर से किधर भी पड़ी है, कितनी बड़ी कार है ये देखो। है? नहीं है? क्या ले रहे हैं पंजाबी कुल्फी, ओहो सात पंजाबी कुल्फी, लो 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 ये लो ये लो लो गाइस पकड़ो पकड़ो, ये लो ये लो ये लो ये लो उठा लो, पंजाबी कुल्फी पंजाबी कुल्फी पंजाबी कुल्फी खा रहे हैं गाइस। कैसा टेस्ट, कैसा है इसका, गाइस अभी सब लोग गुरुद्वारे से आ चुके हैं, अभी सब लोग घर में बैठे आराम कर रहे हैं, गर्मी बहुत हो चुकी है, गर्मी लग रही ना, गर्मी लग रही है आपको, कैसा लग रहा है सब लोग बताओ मेले में, आपको मेले में कैसा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है भाई, ये मेले में गए नहीं तो इनको मेला क्या पता चला है, सुबह से तो घर पे बैठे हैं ये, और ये सो रहा है, ये सुबह से सो रहा है, सिर्फ 50 रुपया खर्ची मिला है, मसा इंतजार 50 रुपए मिले इसको, कल्ले को मामा भी नॉर्मल मामा है, वो भी नहीं है,
बच्चा सदा खा रही टिक्का खाने जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप तो पूछता हूँ मम्मी आपको कैसा लग रहा है मेले में? तो बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी है और ये मेरी मासी है सेकंड नंबर वाली और लास्ट वाली, और मेरी मम्मी है फोर्थ नंबर, और ये मेरा मामा है बड़ा वाला, और इसकी ये वाइफ मामी, और ये उसके ये प्रभजोत, ये मासी का लड़का है, और ये अभी ये मासी का लड़का है, और मैं मेरे अपनी मम्मी का लड़का हूँ, और लकी भाई भी मम्मी का है, और ये अवनी ये मामी की लड़की है, और ये जशन ये भी मामा का लड़का, लेकिन मामा तो सेवा करवा रहे हैं, और डॉल्फी आपको पता है इसकी मम्मी बाहर घूम रही है, इसकी मम्मी बाहर घूम रही है। देखो गाइस मासी कितनी बड़ी कुल्फी लेके अकेले अकेले खा रही है, हमको भी दे दो मासी बस। थर्ड नंबर मासी है, और बड़ी मासी नहीं आई अभी, बाहर घूम रही है मस्त। गाइस हम खाने आ चुके हैं कुलचा, इधर का फेमस है कुलचा श्रीगंगा, ये लेके आया मेरे को, ये लेके आया ब्रह्मजोत लेके आया भाई। मैं पहले बोल रहा ये लंगर नहीं खा रहा मैं इतनी देर से, तो मैं भी नहीं खा रहा यार, बहुत संगत है, बहुत संगत है, लंगर में बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। खाने खुशी देख लो ऐसा रहता है कुलचा, देखो कैसा लग तो अच्छा रहा पर टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो ये ऐसा रहता है कुलचा, बर्मा कुलचा कहते हैं इसको। प्रिपरेशन देखो अंदर की, अंदर क्या क्या रहता है? आलू का मसाला है, छोले के मसाले का, और ये क्या चीज रहता है? ये ब्रेड होती है। अच्छा बताओ भाई अंकल कैसा टेस्ट है? खाए तो फर्स्ट बाइट है, बढ़िया है, ठीक है, गंगनर जैसा है। कितने का है? कितने? 20 रुपए का। चल है, वेल्थ है इसका इतना, क्या करें, 15। चलो ठीक है खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अंकल दो ब्लूबेरी चार है, और एक लेमन, एक लेमन है, एप्पल 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 के साथ फर्स्ट पर करण सूखा शाप पर एप्पल है कि सूखा शाप पर करण सूखा शाप पर। गर्मी में सिर्फ ठंडा कैसा है ब्लूबेरी यार? मेरे को सर का टेस्ट आ रहा है। तेरा कैसा एप्पल का? एप्पल एप्पल लग नहीं रहा, पर एप्पल कोई भी फ्लेवर की हो सिर्फ ऐसे ही होता है ब्लूबेरी। ऐसे इधर टिक्की का ये स्टॉल, और इधर भी टिक्की का है, बस ऐसे घूम रहे हम भाई बहन सारे, ढूंढ रहे हैं कुछ बढ़िया से टिक्की। ये देखो चिप्स वगैरह, ये कबाब वगैरह लेगा क्या? चिप्स लेगा, ले ले यार थोड़ा वो वाली चिप्स रेड वाली। अंकल कितने दे? अंकल बस सर कौन से में भी ले ले, कौन डॉन भी ले ले, एक अगले गंजन से बंदा ये वाले ले ले, हम रिव्यू कर रहे हैं, ये कुरकुरे हैं, चेक करके देखते कैसे है। लाजवाब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, टाइम पास 10 रुपए का, टाइम पास 10 रुपए की, एकदम मेरे रिव्यू जो में बढ़िया बढ़िया, इसका रिएक्शन बहुत अच्छा है, 10 रुपए की बढ़िया चीज ले ले। देखो कैसे छुप छुप के खा रही है दोनों, क्या खा रहे हो? ओहो पानी पूरी, अकेले अकेले खा रहे हैं दोनों, अकेले अकेले। तो देखो सामने टिक्कियां बन रही है गरम गरम, टिक्की 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 टिक्की। ओए यार गंदी है, मैं रिव्यू करूं, रिव्यू करेगा अभी डॉल्फी सिंह, इसको उठाओ तो सही, मैं पकड़ के रखूं। ये देखो अभी बस चलने वाला है, हाँ
कैसा लगा राइड खा के भाई? भाई मैंने जो शाम के बाद राइड खाई उसके बाद तो हमने वीडियो नहीं बनाई। आधा रिएक्शन तो आपने मेरे उसमें देख लिया होगा और बाकी का रिएक्शन अभी आप देख सकते हो मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं। उसके बाद से मेरा सिम घूम गया और सिर क्या, मैं तो खुद ही घूम गया। हम सब घूम गए थे, जो भी था ना हमारे साथ हम सब घूम गए थे। तो बस समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी भी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी भी है, थोड़ा सा दिक्कत लग रही, सिर में दर्द हो रहा है। एक तो पगड़ी इतनी टाइट बांध रखी है, सुबह से नहीं उतारी है, काफी टाइम हो चुका है। बाकी अभी हम जा रहे हैं प्रोग्राम पे, प्रोग्राम में जा रहे हैं गुरुद्वारे में, तो समागम है तो जा रहे हैं हम सब। तो सुबह तक कभी तक आ जाएंगे, 6 बजे हम कब तक आ जाएंगे? उम्मीद 6 बजे की है, बाकी लगता है पहले हम तो हमको लगता है हम आधे घंटे में आ जाएंगे। जा नहीं पाए क्योंकि 2 दिन से हम लगातार जाग रहे हैं, रात रात तक फुल सेवा कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं, हम आपको बताएंगे। वो हम व्लॉग में ही डाल रहे क्योंकि फिर सर ये सारे ये बोले कि ये तो सेवा है, वो भी करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको हाइड कर रखे। गाइस ये देखो हमको समोसा मिल चुके हैं प्रसाद में। आप देख रहे हो हमारी आंखों में बहुत नींद भरी पड़ी है, तो हम 3 बजे घर पे जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।